टुडे वी डिस्कस अबाउट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं अपने यहाँ देखेंगे। माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है, इट इज़ अ डिजीज़ क्रिएटेड बाय द रिलेटिवली, मतलब जो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता, एक किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता हो जाती है तो उसको अपन माल न्यूट्रिशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, माल न्यूट्रिशन इज़ अ मैन मेड डिजीज़। It is a disease of human society. It is begin quite commonly in the womb, uterus, and in the grave. Malnutrition is like an iceberg. Most people in the developing country live under the burden of malnutrition. Example: pregnant women, nursing mother, and children, particularly vulnerable to the effect of malnutrition. The adverse effect of maternal malnutrition have been well documented: maternal depression, low birth weight, anemia, toxemia of pregnancy, PPH, all leading to high mortality or morbidity. The effect of malnutrition are also frequently more serious during life. Previously it was thought that malnutrition are largely concentrated in school age children and toddler. Now it is realized that the intrauterine period of a life. इसका मीन्स है जो माल न्यूट्रिशन है वो मैड मेड ह्यूमन बीन द्वारा मतलब डिजीज़ है। इट इज़ जो ह्यूमन सोसाइटी में अ डिजीज़ इज़ अ ह्यूमन सोसाइटी, इसमें जो ह्यूमन सोसाइटी और जो माल न्यूट्रिशन है वो लो बर्थ वेट, मतलब किन किन वनरेबल ग्रुप है इसमें, प्रेगनेंट लेडी होती है, नर्सिंग मदर्स होती है, चिल्ड्रन पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप है इसका। माल न्यूट्रिशन किन किन में हो सकता है, मैटरनल डिप्लीशन में हो सकता है, LBW में हो सकता है, एनीमिया, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, PPH में। इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा कि माल न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है। नेक्स्ट वन अपन इसका कंटिन्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर द माल न्यूट्रिशन स्टैंड पॉइंट, इन्फेंट बोर्न विद एडिक्वेट बर्थ वेट हैव रिलेटिवली लो मोर्टेलिटी इवन अंडर पुअर environmental condition. The next critical period of childhood is bearing. Severe malnutrition conceive with the age at which baby, usually when the susceptible to infection and severity of illness are significantly less, is well nourished than in the malnourished children. Malnutrition is a serious health problem of developing country as well as developed country. माल न्यूट्रिशन डेवलपिंग और डेवलप कंट्री दोनों में प्रेजेंट है। जो माल न्यूट्रिशन है वो क्रिटिकली जो मतलब इसमें कंडीशन है, जैसे अपने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं तो प्रोटीन और एनर्जी, एनर्जी मींस कैलोरी का लॉस हो रहा है, माल न्यूट्रिशन मतलब डिक्रीज डाइटरी इनटेक इसमें। और अपने इसको टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन में इसमें ड्यू टू लैक ऑफ डाइटरी प्रोटीन एंड एनर्जी इनटेक। इसमें टू टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एक तो सोमेटिक प्रोटीन होता है, एक विसल प्रोटीन होता है। जो सोमेटिक प्रोटीन होता है वो प्रोटीन स्केलेटल मसल्स स्केलेटल में स्टोर होता है, जो विसरल होता है जो बॉडी ऑर्गन में डिपॉजिट होता है। जो डेफिशिएंसी होती है इसमें प्रोटीन और कैलोरी की होती है, डाइट में अगर अपने को सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिलता तो। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन हैज़ बी डिफाइन अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिवली और एब्सोल्युटली डिजी deficiency or excess of one or more essential nutrient. जो malnutrition है pathological condition है, pathological state result होती है जो absolutely deficiency हो रही है one or more nutrient की, जो अपन previous में मैंने बताया आपको, किसी भी एक nutrient की कमी या अधिकता हो जाती है तो उसको अपन malnutrition में describe. And list the form of malnutrition. Malnutrition कितने type के होते हैं, फोर टाइप के हैं बेसिकली, टू टाइप में अपन इसको, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब बिलो द माल न्यूट्रिशन, और ओबेसिटी मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, या ओबेसिटी ओवर न्यूट्रिएंट हो जाता है जिसे, उसको अपन कहते हैं, जैसे अंडर न्यूट्रिशन हो गया, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। बट द माल न्यूट्रिशन इंक्लूड मेनली टू फॉर्म्स, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन अपन पहले डिस्कस करेंगे। ओवर न्यूट्रिशन, इसके अंदर
this is a condition which is resulting due to consumption of excessive quantity of food over an extended period of time. मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो खाता है, मतलब खाना कंज़म करता है, जो बॉडी स्टोर कर लेती है अपने, उसको अपन ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें ओवर न्यूट्रिशन किस किस डिजीज़ कारण, हाई रिस्क इंसिडेंट कौन कौन से होते हैं, हाई रिस्क में ओबेसिटी होता है, डायबिटीज़ मलाइटस है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ है, डिसऑर्डर ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। सिम्टम जैसे अपन ने देखा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा अगर डायबिटिक के पेशेंट है तो, उसमें सडन वेट लॉस होगा, जो वुंड होगा वो टाइम से नहीं होगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, ऑलवेज थ्रस्ट लगेगी पेशेंट को, नमनेस एंड टिगलिंग होगी फीट में, ब्रिंग होगा, ऑलवेज हंग्री होगा और ऑलवेज टायर्ड, हमेशा थका हुआ महसूस करेगा। अंडर न्यूट्रिशन अपन देखते हैं, अंडर न्यूट्रिशन दिस इज़ अ कंडीशन विच रिजल्टिंग वैन इनसफिशियंट फूड इज ईटन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज एक्सट्रीम causes it is called starvation and it has two component. Under nutrition के अंदर अपन देखते हैं, इसमें insufficient food मिलता है जो baby है या उसको insufficient मतलब उसको proper मात्रा में food नहीं मिलेगा, जो उसके extreme जो cases है वो सब starvation मतलब भूखा होगा। इसमें two components है, imbalance और specific। पहले इम्बेलेंस में अपन देखेंगे, इट इज़ अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसप्रोपोर्शनल अमंग असेंशियल न्यूट्रिएंट विद और विदाउट एब्सोल्युटली डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। इसमें पैथोलॉजिकल रिजल्ट है, इसके अंदर कोई भी असेंशियल जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी हो जाती है तो वो अंडर न्यूट्रिशन। स्पेसिफिक डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट लैक ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट। जो पैथोलॉजिकल रिजल्टिंग है, जो इसमें एब्सोल्यूटली जो लैक और इंडिविजुअल जो न्यूट्रिएंट है उसमें कमी आ रही है पेशेंट। अंडर न्यूट्रिएंट डिजीज़ के अंदर पेशेंट में क्या क्या कंडीशन डिजीज़ हो सकती है, LBW लो बर्थ वेट हो सकता है बेबी का, जो 2.5 kg से कम हो सकता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके अंदर मरासमस एंड क्वाशिर का रोग हो सकता है, जो विटामिन ए है जो रेटिनॉल की कमी से होती है डेफिशेंसी, इसमें क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और सिरोप्थैल्मिया हो सकता है, विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड है उससे पेशेंट को स्कर्वी हो सकता है, अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है, विटामिन डी, कॉलीकैल्सिफेरॉल, इसमें क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेसिया हो सकता है, विटामिन बी वन है थायमीन, विटामिन बी वन थायमीन डेफिशेंसी, इसमें पेशेंट में क्या डेफिशेंसी होती है, बेरीबेरी हो सकता है, और विटामिन B5 है जो डेफिशिएंसी नियासिन होती है उसमें पेशेंट को प्लेग्रा हो सकता है, विटामिन B9 है जो फॉलिक एसिड है जिसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो, अगर विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन अगर इसकी कमी हो जाए तो क्यों पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, विटामिन K है जिसमें कोगुलेटिंग फैक्टर है डेफिशिएंसी इंक्रीज ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आयोडीन डेफिशिएंसी जैसे पेशेंट में गोइटर हो सकता है, Fe अगर आयरन हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम में रिकेट्स और ऑस्टोमलेसिया हो सकता है, एंडेमिक फ्लोरोसिस हो सकता है और लिथिसमिया होता है। एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर अपन देखते हैं, माल न्यूट्रिशन है जो मैन मेड है डिजीज है, इट इज़ अ डिजीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट इज़ अ बिगन क्वाइट कॉमनली इन अ वूम टू एंड द ग्रेव। मतलब जब बच्चा, माल न्यूट्रिशन इज अ मैन मेड है, ये डिजीज़ ह्यूमन सोसाइटी में ये डिजीज़ पाई जाती है, इट इज़ अ बींग, ये कॉमन स्टार्ट कहाँ से है, मतलब माँ के पेट से स्टार्ट होके जब आदमी एंड होता है ग्रेव तक, तब तक ये इज अ ग्रेव। एजेंट फैक्टर क्या हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन इज कॉज नॉट ओनली बाय अ सिंगल कॉज बट आल्सो मल्टीपल कॉज, एग्जांपल ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। होस्ट फैक्टर में एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, इम्यूनिटी हो सकती है पेशेंट में, न्यूट्रिशन हो सकता है, एज के अंदर बोथ सेक्स हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में सीवियर इटियोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड विद द माल न्यूट्रिशन एज फॉलो, कंडीशन इन्फ्लुएंस, कल्चर इन्फ्लुएंस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट होगा, फूड का प्रोडक्शन, हेल्थ क्या है, कंडीशनिंग क्या है इन्फ्लुएंस की, कल्चर क्या है, फूड हैबिट, कस्टम्स कैसे हैं, उसके बिलीव्स, ट्रेडिशन एंड एटीट्यूड, रिलीजन अफेक्ट करेगा माल न्यूट्रिशन में, फूड एंड फैड, कुकिंग प्रैक्टिस कैसी है पेशेंट, चाइल्ड प्रैक्टिस कैसी है, मिसक्लेनियस अदर कोई हो तो, एनवायरमेंटल फैक्टर इसको कैसे अफेक्ट करेगा।
नेक्स्ट नंबर देखते हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, अगर उसकी इनकम नहीं है पेश इतनी तो अब उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो वो अपने पूरा नहीं कर पाएगा। फूड प्रोडक्शन, वो फूड का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ के मतलब वो कैसी फैसिलिटी, जैसे अगर इनकम कम है तो वो प्रॉपर बच्चे को ट्रीटमेंट और फैसिलिटी और प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। असेसमेंट कैसे करेंगे माल न्यूट्रिशन, अ कंप्रीहेंसिव असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम डिमांड असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस में एज द प्रॉब्लम पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट और बायोकेमिकल असेसमेंट। ये जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के अंदर, इसके अंदर एंथ्रोपोमेट्री करेंगे, जो बच्चा है उसका हाइट वेट मेजर करेंगे, अगर हाइट वेट कम है तो उसको एडवाइस करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। असेसमेंट ऑफ डाइट्री इनटेक, द डाइट्री सर्वे इज कैरी आउट द सैंपल ऑफ पॉपुलेशन ट्रीटिंग फैमिली एज द यूनिट ऑफ सर्वे स्कर्वी गिवन द डाइट ऑफ फैमिली इज यूजुअली रिपीटेड एवरी वीक कैरी इवन द कंसिडर्ड डे डाइट्री सर्वे मे बी कंडक्टेड वेटमेंट मेथड असेसमेंट डाइट्री इनटेक आल्सो डन बाय द केमिकल एनालिसिस मेथड असेसमेंट इकोलॉजिकल बैकग्राउंड। इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्टेड करेंगे, जो सर्वे हेल्थ की मॉर्बिलिटी है उनको बताएंगे, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज उनको इम्प्रूव करवाएंगे, प्रॉपर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा हो रहे हैं उनको पूरा नॉलेज देंगे, प्रॉपर फर्टिलिटी रेगुलेशन है, जो हेल्थ है, जो इकोनॉमी उसका, कल्चर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, उनका प्रोडक्शन इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में उनको बताएंगे, इकोलॉजिकल बैकग्राउंड के असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। देन अपन देखेंगे इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ माल न्यूट्रिशन। सिंस माल न्यूट्रिशन आउटकम, जो इसमें माल न्यूट्रिशन है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, टेकिंग एक्शन इसमें फैमिली पे, कम्युनिटी पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जो इसके कोऑर्डिनेशन अप्रोचेज है उनको पूरा, न्यूट्रिशनल फूड टेक्नोलॉजी है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ एजुकेशन, मार्केटिंग कैसे इंप्रूव करेंगे, एक्शन फैमिली लेवल पर अपन कैसे बताएंगे, अब एक टारगेट प्रिंसिपल सेट करेंगे, जो न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट है, जो कम्युनिटी फैमिली है उनको माल न्यूट्रिशन एडवाइस इंप्रूव करने के लिए मैनेज कंजप्शन फूड का बहुत प्लानिंग करेंगे, जो हार्मफुल फूड जैसे तेबूज है, डाइट्री प्रीजस्टी कैन बी आइडेंटिफाई एंड द करेक्ट द प्रॉब्लम, ब्रेस्ट फीडिंग इंप्रूव करेंगे, इन्फेंट है तो अगर उसको चिल्ड्रन फीडिंग प्रैक्टिस है नेसेसरी बताएंगे, उसको क्या जरूरत है, प्रमोशन किचन एंड पोल्ट्री के बारे में बताएंगे, फोकस करेंगे न्यूट्रिशन मदर एंड चाइल्ड के ऊपर। एक्शन एंड द कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे प्रोग्राम, मिड डे मील जैसे गवर्नमेंट द्वारा विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम चल रहे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट अप्लाई न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई चल रहा है। एक्शन इन द नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, द बर्डन द WHO या FAO, इसमें न्यू अप्रोचेज है, जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट द्वारा चल रही है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बताएंगे, स्टेबलाइज पॉपुलेशन के बारे में, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ एक्टिविटी। एक्शन एंड द इंटरनेशनल लेवल, फूड एंड न्यूट्रिशन आर द ग्लोबल प्रॉब्लम है हेल्थ एंड सिक, इसके बारे में पेशेंट को इनक्रेज करेंगे, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है 1960 में स्टिमुलेट इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट मीन्स प्रोवाइड द फूड विक्टम ऑफ द एमरजेंसी, सेवरल इंटरनेशनल एजेंसी FAO, यूनिसेफ, WHO, केयर, वर्ल्ड बैंक आदि वर्किंग एट अगेंस्ट द माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट ये काम कर रही है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, इससे पहले अपने एक देखते हैं कि डेफिशिएंसी जो क्वाशिर का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है क्वाशिर कर, वो क्या होता है, क्वाशिर कर के अंदर एडिमेटस जो एडिमा कंडीशन माल न्यूट्रिशन होती है उसमें डेफिशिएंसी किसकी आती है, डाइट्री प्रोटीन की आती है। एज ग्रुप है जो उसके अंदर 1 to 4 ईयर के अंदर ये क्वाशिर कर प्रेजेंट होता है, जो विसरल प्रोटीन होती है वो कंपोनेंट में विसरल जो प्रोटीन होती है वो डिक्रीज होके, इसके में अपने देखते हैं क्वाशिकर में साइन एंड सिम्टम, ग्रोथ रिटार्डेशन, एम्पैथी, इरिटेबिलिटी, सिलोसिस हो सकता है, एडिमा के अंदर जो साइन एंड लोकलाइज और जनरलाइज हो सकते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी अपर एक्सट्रीमिटी में हो सकता है, होल बॉडी हो सकती है, पिटिंग एडिमा इसका क्वाशिकर का साइन है, इसमें हेयर चेंजेस हो सकते हैं, फ्लैग साइन होगा पेशेंट के अंदर, फ्लैग साइन होगा तो क्या होगा, फ्लैग साइन होगा तो हाइपर या हाइपो पिगमेंटेशन हेयर हो जाएंगे, जो हेयर होंगे वो लाइट और डार्क
कलर बैंडेड होंगे, जो ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, एपेथी हो सकती है, लैक ऑफ इमोशन, इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, चिलोसिस मतलब एंगुलर चिलाइटिस हो सकता है, कॉर्नर ऑफ ग्रोथ ऑफ माउथ एंड इन्फ्लामेशन होता है, मून फेस दिखाई देगा क्वाशिरकर के अंदर। सेकेंड अपन देखते हैं इसके अंदर एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें अपने मैनेजमेंट करा सकते हैं। एज ग्रुप बिलो 6 मंथ, फॉर्मूला फीडिंग जैसे कंटेन 1 मिल्क है, 1 डे में 150 ml पर kg पर बॉडी वेट, हाफ स्ट्रेंथ मिल्क है जिसको 150 ml है तो इसमें आधा पानी मिलाएंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर मिक्स करेंगे। 2 to 3 days के अंदर अपन इसमें क्या माइल्ड या मॉडरेट अपन क्वाशिरकर देख रहे हैं, इसमें 2 and 2nd day के अंदर 150 ml किलोग्राम पर डे हाफ स्ट्रेंथ मिल्क जो डाइजेस्ट इजीबल हो जाएगा बच्चे को, उसमें फिर मिल्क डिवाइडेड इनटू 8 feed में करेंगे। 4 day के अंदर 100 ml पर kg पर डे के अंदर फुल स्ट्रेंथ इन 6 feeding में देंगे। और सीवियर अगर क्वाशिरकर है तो उसमें पेशेंट सीवियर है तो उसको हॉस्पिटलाइज एडमिट करेंगे। अबव द एज ऑफ 6 month प्रोटीन इंक्रीज हाई प्रोटीन एंड 4 to 6 gram पर डे पर kg पर डे, नॉर्मल के अंदर 2.25 किलोग्राम पर डे होता है। सीवियर अगर ओरल रिफ्यूज़ कर रहा है तो इनटेक डाइट्री प्रोटीन देंगे एंड पेरेंटल प्रोटीन अगर नहीं ले रहा तो उसको पेरेंटल प्रोटीन पे शिफ्ट करेंगे पेशेंट को। फिर अपन ये अपन ने देखा क्वाशिरकर के साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट अपन मरास्मस क्या होता है। मरास्मस को अपन इन्फेंटाइल या एट्रोपी भी बोलते हैं, जो प्रोटीन एनर्जी डिजीजेस में कैलोरी अफेक्ट ऑफ द सोमेटिक कंपोनेंट, इसमें एडिमा एब्सेंट होता है, जो कॉजेज होते हैं उसमें क्या होता है, इनसफिशियंट ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, कंटिन्यूस जो क्रोनिक डायरिया है वो सीलिक डिजीज जैसे क्रोनिक वोमिटिंग होगी तो पाइलोरिक स्टेनोसिस है। इसमें सिम्टम क्या दिखेंगे, सीवियर मसल वास्टिंग दिखेगी मरास्मस में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है इसका। बॉडी वेट एंड लूज इसके अंदर एक्सपेक्टेड होना चाहिए, जैसे बिलो 60% ऑफ बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू एज प्रेजेंट होती है। बॉगी पेंट इसका एक मोस्ट कॉमन साइन है, अप्रोचेज अ लूज पेंट ड्यू टू द लॉस स्किन, ओल्ड मैन एपरियंस, स्किन के नीचे इसमें प्रोटीन निकल लग जाती है, और एपेथी एंड मंकी फेस में प्रोटीन एंड फैट लॉस होने लग जाता है स्किन में। इसका मैनेजमेंट क्या है, एडिशनल कैलोरी प्रोवाइड अप टू 200 kcal पर kg पर बॉडी वेट, नॉर्मल है 110 kcal पर डे, रिफ्यूज अगर पेरेंटल इसको यूज करते हैं। अपन ने ये देखा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसमें क्वाशिरकर एंड मरास्मस के बाद। नेक्स्ट अपन देखते हैं द कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैन बी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल दिस क्वालिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ माल न्यूट्रिशन दिस फॉलो फॉर द कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब कंसल्टेंट, कंसल्टेंट मतलब तो कोई एक्सपर्ट हो, वो अपने को ओपिनियन दे इस प्रोफेशनल के अंदर हो, मतलब माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजर वो मतलब ऑर्गेनाइजर मतलब कोई ऑर्गेनाइज करे। एम मतलब मेन रिमेंबर ऑफ द हेल्थ टीम, एम मतलब जो हेल्थ टीम का मेन मेंबर हो, एम मतलब इसको कैसे मैनेज करना है, यूटिलिटी प्रैक्टिशनर इसको कैसे यूटिलाइज करके प्रिवेंशन के बारे में बताना है, नर्स प्रैक्टिशनर जो नर्स है इस फील्ड में जो ANM है या आशा है वो बताए पेशेंट बच्चों को कि माल न्यूट्रिशन की कमी से क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको कैसे अपने बचा सकते हैं और बता सकते हैं। इंडिपेंडेंट रोल होना चाहिए, टीचर गाइड करेगा या आइडलर होगा। नेक्स्ट इसमें हेल्थ के अंदर हेल्पिंग क्लाइंट टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ एनकरेज करेगा, ई मतलब एनकरेजिंग टू प्रैक्टिस हेल्थी हैबिट, एडिक्वेट प्रोविजन टू प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर के बारे में बताएगा। एल मतलब लीडिंग टू हेल्थ केयर, टी मतलब टीचिंग कहेगा ICE के बारे में, और एच मतलब हेल्पिंग इन क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में होगा तो उसको हेल्प करेगा। एन मतलब नोबल होनी चाहिए, नोबल मतलब ग्रेटनेस होनी चाहिए, यूजफुलनेस मतलब अंडरस्टैंडिंग सेल्फनेस होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नहीं रेस्पॉन्सिबल समझे, सिंपैथी मतलब सहानुभूति मतलब उसे, एफिकेंसी मतलब इसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। टुडे आज अपन ने देखा माल न्यूट्रिशन के बारे में, नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक डिस्कस करें। थैंक यू।